रविंद्र जडेजा पर तुरंत लगेगा 12 महीने का बैन, किस वजह से क्रिकेट जगत में मचा है तहलका, इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैच में पहले दिन पूरी तरह से दबदबा बनाए रखे हैं। नागपुर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 177 रनों पर ही समेट दिया। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया, उन्होंने 5 विकेट झटके। अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, लोग सवाल पूछे जा रहे हैं पर उनका 12 महीने पर बैन लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में शुरुआती दिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गेंद से कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। हालांकि उन्होंने बीच मैदान पर अपनी उंगली पर कुछ लगाने के वजह से बहस छिड़ गई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे क्रिकेट जगत में तहलका मचा हुआ है। दरअसल हुआ यूँ कि अपने टीम के साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज से कुछ लेकर अपनी बाईं तर्जनी पर लगाते और रगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर ऑस्ट्रेलिया मीडिया पूर्व खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं। जब एक क्रिकेट प्रशंसक ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो फुटेज को शेयर किया तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने अच्छे से जवाब दिया। पूर्व कप्तान टिम पेन का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोगों की राय बटी हुई नजर आई है। कुछ ने कहा कि जडेजा बॉल टेम्परिंग यानी गेंद से छेड़छाड़ करते नजर आ रहे थे। उनके कुछ फैंस ने कहा कि वह अपनी उंगली की सूजन के लिए महरम का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद BCCI अधिकारी ने मामले पर अपडेट दिया। बोर्डों के सूत्र के अनुसार PTI से बताया कि उंगली में दर्द से राहत के लिए महरम लगा रहे थे। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के सदस्य डेविड वार्नर और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2018 में गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में 1 साल भर का प्रतिबंध झेल चुके हैं।